के ए और बी डिवीजन के प्यारे प्यारे बच्चे हम फील मिल रहे हैं आपको। आपके सामने मैंने एक गंदगी मुक्त भारत सब्जेक्ट और आपको ड्राइंग कंपटीशन पेंटिंग का दिया गया था, उसी में से 6 ए और बी डिवीजन के 17 बच्चों 17 बॉयज एंड गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है। सबने अच्छा ड्राइंग बनाया, सभी को हम स्कूल परिवार सेंट मेरी स्कूल के सभी फादर टीचर्स सभी लोगों की ओर से आपको मैं बहुत बहुत आपको अभिनंदन दे रहा हूँ। सभी जिसने भी पार्टिसिपेट किया सभी को मैं भी खूब खूब अभिनंदन दे रहा हूँ और थैंक यू। आपने जो इसके बारे में इंटरेस्ट जगाया और ड्राइंग करके हमें पहुँचाया, तो ये बात ऐसी है जब कोई भी आपको सामने पेंटिंग हो, गाने का हो, लिखने का हो, कुछ भी आए तो कुछ नया कर पाएंगे आप? वैसे बैठे बैठे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जो बुक्स दिया गया है उसी में आप रहेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा नहीं। तो नॉलेज बढ़ाने के लिए ये हमारा जो स्पर्धा होती है वो नॉलेज आपका बाहर का नॉलेज बढ़ता है। ये 17 बच्चों ने नया कुछ बनाया, बाकी सब हमारे क्लास के बच्चे हैं, उसने नया क्या किया? कुछ नहीं, जो हम यहाँ से लेसन देते हैं वो करते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए ऐसा मोटिवेशन आपको कभी कभी मिलता है, हर बार नहीं मिलता। तो जो भी ये हमारा कोई भी पेंटिंग का हो, कुछ भी हो, तो उसी में आपको पार्टिसिपेट करना है। जब भी दूसरी बार ऐसा कोई ड्राइंग कंपटीशन आए तो उसी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है। आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका कुछ जाएगा नहीं, आपका नॉलेज में बढ़ोतरी होगी, आप कुछ आगे कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैंने अच्छा ड्राइंग किया। तो फिर से जिसने भी पार्टिसिपेट किया वो सभी भाई और बहन गर्ल्स एंड बॉयज सभी को मेरी ओर से फिर से धन्यवाद। अभी हम बर्ड्स के बारे में आपने ड्राइंग किया, इस बार हम एनिमल्स यहाँ दिया गया है तो एनिमल्स का हम ड्राइंग करेंगे। तो पेज नंबर 14 पे आपको एनिमल्स में डियर दिया गया है, तो सबसे पहले आपको यहाँ स्टेप फर्स्ट में ये राउंड, पहला छोटा राउंड, बड़ा राउंड, और यहाँ आपको 4 लाइन में उसका पैर बनाया है, तो उसको सपोर्ट में लेके आपको स्टेप 2 में जाना है। स्टेप 2 में जो दिया गया है वैसे ड्रॉ करना है और इसके बाद आपको पूरा डियर ड्रॉ करना है। ये डियर ड्रॉ हो गया, वैसे आपने अलग स्केचबुक में ये वर्क करना है, उसमें डेट भी डालना है, जिसके हम जब स्कूल ओपन होती है तो डेट वाइज आपका लेसन आप करते हो कि नहीं ये हम देखेंगे। तो ये डियर आपको पूरा यहाँ दिया गया है, आपको पहले स्केचबुक में 1, 2, 3 स्टेप ड्रॉ करना है, इसके बाद आपको उसमें वाटर कलर पूरना है, इसमें वाटर कलर फिल करना है। ये वाटर कलर आप पूरा फिल करेंगे, एक साथ बना के ऐसा वाटर कलर नहीं आपको फिल करना है, पहले यहाँ से पूरा जो रेड और ब्लैक मिक्स करते हैं ऐसा करके उसमें से पानी के साथ कलर को खींचना है, तो यहाँ वाइट जैसा हो जाएगा। इसी में कलर में से खींच कर आपको थोड़ा थोड़ा करके कलर पूरना है, एक बार कलर बना दिया सब में अपने फिल कर दिया ऐसा आपको कलर पूरना नहीं है, इसलिए सोच के साथ पूरा ब्रश, कॉटन, डिश, वाटर सब एक साथ अपने पास रख के ये पूरा ड्राइंग आपको बनाना है। पूरा वाटर कलर इसमें फिल करना है, बाद में आपने जो ड्रॉ किया है स्केचबुक में इसमें पहले स्केचबुक में करो, उसमें आपकी कौन सी गलती है उसको दुरुस्त करके फिर ये बुक में वाटर कलर फिल करना है। जब वाटर कलर आप इसमें फिल करते हो तब यहाँ पिछाड़ी में आपको एक पूरा पेज रखना है, यहाँ पेज रख के
यहाँ कोई भी एक पेज रख दो, फिर इसमें आपको कलर फिल करना है, नहीं तो यहाँ पीछे वो उसका कलर का धब्बा लग जाएगा, ड्राइंग बुक अपनी ख़राब हो जाएगी। इसके बाद आपको जैसे आपने डियर का ड्रॉ किया वैसे ही आपको कैमल का ड्रॉ करना है। तो इसमें ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाद यहाँ जो दो हमको ज्योमेट्रिकल आपको दिया गया है तो उसी मुताबिक आपको यहाँ से ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ हो गया, इसके बाद ये स्केच बुक में पहले करना है, स्केच बुक में हो गया तो इसी में आपको कलर फिल करना है। पहले स्केच बुक में कलर फिल करना है, बाद में इसमें आपको कलर फिल करना है। ये हो जाने के बाद आपको यहाँ रैबिट बनाना है और रैबिट में भी कलर आपको वाइट और ब्लैक का यूज़ करके आपको रैबिट यहाँ बनाना है। इसमें भी आप येलो कलर रेड कलर पूरा लेके इसमें आपको यूज़ करना है। मैंने बताया आपको जब कोई भी कलर आपको इनमें फिल कर रहे हो तो पूरा नेचुरल बनना चाहिए। हम जो दिवाली के दिन रंगोली बनाते हैं उसमें एक ही कलर का यूज़ करते हैं, ऐसे हमें इसमें कलर फिल नहीं करना है। हमको थोड़ा सा कलर इसमें लगा के फिर वाटर के साथ पानी वाला ब्रश के साथ उसको खींचना है। पानी वाला ब्रश से खींचेंगे तो कलर है वो पहले पूरा रेड या येलो होगा, फिर धीरे धीरे उसमें लाइट कलर जैसा शेडिंग आएगा। तो इसी के हिसाब से आपको कलरफुल ये दोनों ड्राइंग बनाना है। सबसे पहले डियर, उसके बाद कैमल और उसके बाद रैबिट आपको ये बनाना है। ये लेसन हमारा आज का 19 डेट का है, आपको ये वीक में पूरा करना है। अगले वीक में आपको फिर मिलेंगे हम।